तो चलो आज हम वन प्लस नॉर्ड के जितने भी सारे कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो देख लेते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा ये जो कैमरा का जो मॉड्यूल है इसका मैं आपको पूरा वॉक थ्रू करवा दूंगा। इसके साथ ही इसके क्या टिप्स ट्रिक्स ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। एंड आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के बीच में कहीं भी मैं आपको दो इसकी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो इसके कैमरा के साथ मैंने फेस की है। तो दोस्तों चलो अब हम इस वीडियो को कर देते हैं शुरू। एंड इसके पहले आपको क्या करना है कि आपको मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बाजू में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना है एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं ये सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अब सबसे पहले शुरू करते हैं, इस कैमरा को ओपन कर देते हैं। एंड यहां पे आप देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये फोटो मोड में ओपन होता है। अब जब ये फोटो मोड में ओपन होता है तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे तक जो है इसके सारे फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपको टाइमर का सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो टाइमर आप चाहो आप सेट कर सकते हो, विच इज 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। फिर इसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप फ्लैश को आप सेट कर सकते हो, विच इज ऑफ, ऑटो या ऑन, आपको कैसे रखना है वो आप रख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज इसकी ये बता दूं कि इसका जो फ्लैश है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप प्योर एकदम अंधेरे में भी अगर आप फ्लैश के साथ आप फोटो लोगे ना, यू विल बी अमेज्ड कि ये कितना बढ़िया फोटो लेता है। आई मीन सीरियसली इसका फ्लैश काफी अच्छा है। इनफैक्ट मैं आज तक जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ दैट इज रेडमी नोट 7 प्रो, तो मुझे पता है कि इसके सामने इसके अंधेरे में यू नो क्या कैप्चरिंग, क्या बढ़िया चीज है। फिर यहाँ पे आप जो है आप 12 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल मोड्स के बीच में आप टॉगल कर सकते हो। नॉर्मली 48 मेगापिक्सल का मोड आप तब भी लेना जब आप एक वेलिट एनवायरमेंट में हो तो ही अच्छा है, नहीं तो इसको ये बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे रहता है विच इज ऑलवेज बेटर। फिर यहां पे आप क्लिक करके इस फ्लावर पे आप मैक्रो मोड में एंटर कर सकते हो। इसका मैक्रो मोड मैं सच कहूं तो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट इससे ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी इसके नॉर्मल कैमरा में ही काफी बढ़िया है कोई, जिससे ये फोटोज बहुत अच्छे ले लेता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिल्टर्स नजर आएंगे। एंड ये फिल्टर्स की अच्छी बात ये है कि इसमें है ना ये फिल्टर्स चॉइस करते वक्त इसका कैमरा और इसकी स्पीड फोन की इतनी अच्छी है कि जरा भी हैंग नहीं होता। मतलब द मोमेंट आपने फिल्टर चेंज किया एंड बस वो एक ही सेकंड में सीधा का सीधा फिल्टर चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपको इसके फोटो मोड में और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये जो आपको सिंगल ट्री दिख रहा है तो इसका मतलब ये आपको जूम इन का फंक्शन दे देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और जब आप ये थ्री ट्रीज पे क्लिक करोगे तो ये आपको वाइड एंगल का फंक्शन दे देगा। ये वाइड एंगल जो है ये आपको फ्रंट में भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्यूअल कैमरास है इसकी मदद से आप वाइड एंगल सेल्फी भी ले सकते हो और ऑब्वियसली आप बैक कैमरा में आप वाइड एंगल यूज कर सकते हो। अब अगर बात करें यहाँ पे नीचे ये जो आप एरिया आप देख रहे हो, सो दिस आइकन इज बेसिकली फॉर गूगल लेंस। तो अगर आप अभी तो चलो मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और अगर आप चाहते हो कि भाई ये सेम प्रोडक्ट आप गूगल पे सर्च करो तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको ऑन करना है और उस फोटो उसका आपको सीधा फोटो ले लेना है। ये डायरेक्टली स्कैन करके आपको गूगल सर्च में बता देगा अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो। एंड ये इसके ढेर सारे ये देखिए इसके फीचर्स है जैसे डाइनिंग, प्लेसेस, शॉपिंग, तो ये सारी चीजें जो है ये आप कर सकते हो यहीं से। ये देखिए यहाँ पे इस पे आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलता है। तो ट्रांसलेट में भी कैसा है दोस्तों के अगर आप कोई भी ऐसे कंट्री में हो या आप कोई भी ऐसी जगह पे हो कि जहां की लोकल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, तो उसका वो जो लोकल लैंग्वेज का यू नो वो ही जो पेपर या जो भी है उसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पे आप स्कैन करो तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। फिर इसके बाद का जो फीचर है दैट इज दिस वीडियो फीचर। वीडियो में कैसा है कि यहां पे आप अगर चाहो तो इस पे आप फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मिल जाता है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। एंड बैक में जो है आपको वैसे ही ओआईएस का फीचर दिया गया है, बट स्टिल अगर आपको और एक्स्ट्रा थोड़ी स्टेबिलाइजेशन चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको ईआईएस के थ्रू सपोर्ट करेगा विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन होता है इसमें क्या होगा कि भाई ये आपके यू नो वीडियो को और थोड़ा ज्यादा स्टेबिलाइज करने की कोशिश करेगा। आइडियली ओआईएस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, मतलब उसके आगे आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी आप ऑब्वियसली ये फिल्टर्स को आप अप्लाई कर सकते हो, ढेर सारे इसमें भी हमें फिल्टर्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको इसकी जो कमियां है वो मैं बताने वाला हूं। तो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी तो उसमें से एक कमी ये है कि वीडियो में जो है हमें पोर्ट्रेट वीडियो नहीं मिलता। हाँ जी,
तो ये ऐसा फीचर है जो आज के रेट में ओप्पो वीवो के फोन्स यार मतलब इजीली दे रहे हैं। आई डोंट नो उनके वो कलर ओएस के अपडेट्स के बाद तो मतलब इट इज वेरी इजी, आपको उसमें पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाता है, बट वन प्लस नॉर्ड हमें वीडियो पोर्ट्रेट नहीं देता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ना ही फ्रंट में ना ही बैक में, तो इसमें आपको दोनों ही कैमरास में ये चीज नहीं मिलती। अब इसके बाद बात करें स्लो मोशन की, तो स्लो मोशन में कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर ऑब्वियसली आप यू नो आप जब स्लो मोशन में आप किसी वीडियो को शूट करना चाहते हैं तो बैक कैमरा से आप ले सकते हो। इसमें आपको यही चीज का ध्यान देना है कि इसमें जो एनवायरमेंट है वो काफी वेल लिट होना चाहिए, मतलब बहुत ही बढ़िया इसमें लाइटिंग चाहिए, नहीं तो ब्लैकिश आता है। प्लस मैंने और एक चीज नोटिस की है, और ये खास टिप बोलो कि क्योंकि मेरे घर पे जो फॉल्स सीलिंग है उसके अंदर ज्यादातर सब एलईडी लाइट्स लगी हुई है, तो जब भी मैं फुल एलईडी लाइट्स को ऑन करके इसमें स्लो मोशन लेने जाता हूँ तो एकदम ब्लैक फ्लिकरिंग होती है, ब्लैक पट्टों की फ्लिकरिंग होती है। तो दिस इज समथिंग विच आई हैव नोटिस कि ये एलईडी लाइट्स में ये प्रॉब्लम आता है, बट अगर आप नॉर्मल ट्यूबलाइट या फिर आप सनलाइट में लो, सनलाइट इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो क्योंकि वो नेचुरल एनवायरमेंट आपको स्लो मोशन के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर आपको टाइम लैप्स मिलता है, अब टाइम लैप्स इज बेसिकली स्लो मोशन का एग्जैक्टली उल्टा। तो इसमें क्या है कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो और भी ज्यादा स्पीड में रिकॉर्ड होगा। अगर इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको जूम इन में लेना चाहते हो या आप इसको अल्ट्रा वाइड लेंस से लेना चाहते हो। फोटो में मैं आपको और एक चीज बताना था कि जब आप ये 1x पे आप थोड़ा सा क्लिक कर लो तो यहां पे आप देख सकते हो आप इसको और ज्यादा जूम इन, कस्टम जूम इन आप इसमें कर सकते हो, कस्टम जूम इन, कस्टम जूम आउट, तो ये भी एक ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। अब बात करें पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट में ऐसा है दोस्तों कि ये आपको दिख रहा है, सो दिस इज द डेप्थ इफेक्ट विच इज रिटन हियर। अब कैसा है कि द मोमेंट आप ये पोर्ट्रेट मोड में आते हो तो ये हमारे पास यूनिकॉर्न का छोटा सा घोड़ा है। अब हम इसके देखो हम क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हो तो आप देख सकते हो ये डेप्थ इफेक्ट जैसे ग्रीन हुआ, दैट मीन्स दैट इज द राइट टाइम टू क्लिक योर फोटो। इसका मतलब कि आपको ऑप्टिमल जो डेप्थ इफेक्ट है वो आपको मिलने वाला है इस सब्जेक्ट पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, तो तब आप फोटो को खींचिए। सो दिस इज देन ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे भी आप पोर्ट्रेट में भी जो है आप चाहो, एंड यस ऑब्वियसली इसमें आपको फ्रंट में भी आप जब आप फोटोज लेते हो तो आपको काफी अच्छे बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर और एक चीज ये है, इसमें भी अगर आपको टाइमर मिल जाता है। फिर इसके बाद नाइटस्केप मोड है, अगर हम नाइटस्केप मोड की बात करें तो यहाँ पे नाइटस्केप मोड इज अमेजिंग, इज ऑसम दोस्तों। मतलब मैंने बकायदा मेरे कमरे में फुल अंधेरा भी रहता है और उसमें मैंने फोटो लेके देखी है, तो मतलब क्या पता कहाँ से थोड़ी सी भी अगर लाइट आ रही है, और हल्की सी भी अगर कोई स्ट्रीट लाइट है कुछ भी है जिसकी थोड़ी सी बस एक एक थोड़ी सी शाइन ही आ रही हो तो ये उसको भी फुल कैप्चर करके आपको कोशिश करता है कि जितना हो सके उतनी ज्यादा लाइट दिखाए। तो मुझे ना इस फोन में ना इसका जो बैक कैमरा है, इसका नाइटस्केप है, एंड इसका फ्लैश के साथ अगर आप फोटो लेते हो अंधेरे में, ये सारी चीजें ना बहुत जोरदार लगी, एंड ये एक कमेंडेबल चीज है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेटिंग्स में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो ये सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड में, एंड ये देख सकते हो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है दैट इज अल्ट्रा शॉर्ट HDR। अब जैसे ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो बेसिकली ये क्या है, ये AI लर्निंग टाइप है। इसमें कैसा है कि जितने आप फोटोज आप लेते हो लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो ये ढेर सारी चीजों को है ना ये हमारे ही एनवायरमेंट से सीखता है, एंड इट लर्न्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट, और इसी में वो इंटेलिजेंटली ब्लेंड करेगा और ज्यादा पंची कलर्स कह लो या सैचुरेशन कह लो या कॉन्ट्रास्ट कह लो, तो ये बेसिकली उसका काम करता है। ये यहाँ पे से आप एस्पेक्ट रेशो को आप चेंज कर सकते हो, यूजली 4:3 इज ऑलवेज बेटर अगर आप ज्यादा कैमरा एक्सपर्ट नहीं हो तो यही रखिए। स्मार्ट कंटेंट डिटेक्शन अगेन एक AI फीचर टाइप ही है, इसको रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर सेल्फी फोटो अगर ये ऑफ है तो यूजली आप जो भी मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो मिरर सेल्फी है मतलब ये जो सेल्फी है ना वो आपका सही तरीके से आए, आपके टी शर्ट्स पे अगर कोई कोई राइटिंग लिखी हुई है या कोई ऐसी चीज है तो वो सीधा ही दिखे, तो आपको इसको ऑफ करना है। अगर आप ये मिरर सेल्फी को ऑन करोगे तो जो भी चीजें लिखी है ना वो उल्टा नजर आएगा। ये आपने नॉर्मली फेस किया होगा जब आप सेल्फी फोटोज लेते हो तब, तो ये इसको आपको यूजुअली ऑफ रखना है। लॉन्ग प्रेस शटर, ये अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो शटर पे तो ये रिकॉर्ड वीडियो ऐसे आता है, अगर आप चाहो तो आप बर्स्ट फोटोज भी ले सकते हो। तो चलो अब हम इस वीडियो के सेक्शन को देख लेते हैं। अब इसमें कैसा है कि आप यहाँ पे सबसे पहले वीडियो रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेयर कैमरास की जो वीडियो रेजोल्यूशन है, मतलब कि बैक कैमरास की जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है
वो आपको 4K सिने 30 FPS तक मिलता है। फिर यहां पे आपको फ्रंट में जो मिलता है, यहां पे आपको मिलता है 4K 60 FPS तक का सपोर्ट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, मतलब एक्चुअली इसका फ्रंट कैमरा ज्यादा पावरफुल है अगर इसके चलते देखा जाए तो। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, मतलब कि यार अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, MX टकाटक पे आप यू नो आप अपने वीडियोस अपलोड करते हो, आप अगर एक यूट्यूबर हो कि जिनको फ्रंट कैमरा ज्यादा पावरफुल चाहिए, देन ये बहुत एक यू नो मतलब दिस इज वन ऑफ द मोबाइल्स, बेस्ट मोबाइल्स इनफैक्ट, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि यार आजकल क्या होता है ना, बैक में तो चार चार कैमरा चिपका देते हैं लेकिन आगे के कैमरा बहुत वीक देते हैं। यहां पे इसका ये चीज है कि भाई इसका फ्रंट भी बहुत स्ट्रांग है कैमरा वाइज। यहां पे आप इसको हाई एफिशिएंसी वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मली मत कीजिए तो अच्छा है, दैट इज स्टिल ओके। यहां पे नाइटस्केप में अगर आप ट्राइपॉड पे अगर ये आप फोन को रख के अगर आप नाइटस्केप में आप फोटोज खींचना चाहते हो तो तब आप ये ट्राइपॉड का लॉन्ग एक्सपोजर आप ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि वो 8 से 30 सेकंड तक के यू नो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स लेगा। तो जिससे यू नो आपने कभी कभी देखा होगा कि यार कुछ लोग है ना एकदम अच्छे से स्टार्स की फोटोज ले लेते हैं या कुछ आसमान में तारे सितारे सब नजर आ रहे हैं, ये नॉर्मली ये ऑप्शन को ऑन करके आप फोन को एकदम स्टेबल रखो तो ये पॉसिबल है, एंड वन प्लस नॉर्ड पे तो डेफिनेटली है। फिर यहां पे आपको प्रो मोड्स में अगर आपको हिस्टोग्राम या हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ये चाहिए तो आप इसको देख सकते हो, ये मैं आपको अभी बता दूंगा ये क्या है। जनरल में आपको कस्टम मोड्स में मिलता है, ये देखिए ये इसके कस्टम मोड्स है। अब क्या है कि यूजुअली अगर आप अभी अगर कोई एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो 15-20 हजार वाला, तो उसमें है ना हमें ये जो ऑप्शंस है इसे हम बिल्कुल भी यू नो कस्टम यूज नहीं कर सकते। बट इसमें नॉर्ड में एक चीज अच्छी है कि अगर आपको चाहिए तो आप इन कस्टम मोड्स में आके, इफ यू वांट कि आपको इसमें से कोई एक मोड नहीं चाहिए तो उसको आप सीधा माइनस करके बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर प्रो मोड यूज ही नहीं कर रहे तो उसको निकाल दो, अगर उसको वापस ऐड करना तो आप ऐड मोड्स में जाके प्रो को सिलेक्ट करके आप इसे कर सकते हो यहाँ पे ऐड। अगर आपको इस प्रो को ऊपर या नीचे भी करना है तो भी आप इसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसकी अच्छी बात यही है कि आप जो यू नो हमेशा जो पहले जो यूज करते हो, लाइक अगर आप वीडियो फोटो या पोर्ट्रेट या क्या आप यूज करते हो उसको उस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब उसके बाद यहां पे आता है अल्ट्रा वाइड लेंस करेक्शन। तो ये यू समझ लो कि भाई ये सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा करेक्शन करता है, तो अगर आपको ऑन करना है तो ऑन या ऑफ तो ऑफ। ये ग्रिड है, यहाँ पे आप 3x3, 4x4 या गोल्डन रेशो या ग्रिड रख सकते हो। नॉर्मली मैंने भी जो रखी है मैंने 3x3 की ग्रिड रखी है, आप देख सकते हो। इससे क्या है मुझे पता चल जाता है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं, ये मुझे समझ में आ जाता है। फिर इसके नीचे जो है आपको शटर साउंड अगर चाहिए तो वो आप कर सकते हो। ये मेन है शॉट ऑफ वन प्लस वाटरमार्क, ये इनफैक्ट बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यार क्या करें, आई मीन अगर हम वन प्लस पे फोटो ले रहे हैं तो हम दुनिया को क्यों ना बताएं, राइट। तो यहां पे अगर आप चाहो तो आप इस वाटरमार्क को ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे क्या नीचे नेम रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शॉट ऑफ वन प्लस बाय अंकुश ऐसा लिख के आता है, तो वैसे ही आप अपना नाम भी सेट कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वाटरमार्क है ये आज भी अगेन उन 15-20 हजार वाले फोन्स में हमें नहीं दिखता कि आप उसे कस्टमाइज कर पाओ, यू नो कि जहां पे नीचे आपका खुद का नाम आ पाए। फिर शटर साउंड तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लोकेशन डेटा को स्टोर करना है तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो, यहाँ पे कैमरा का वर्जन है। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि इसकी और एक प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि इसकी जो कैमराज या ये जो इसका जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक को यूज नहीं कर सकते। मतलब सेटिंग्स में जो हम मैंने आपको बताया तो वहां पे आपने देखा होगा कि यू नो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैंने आपको बोला कि काफी अच्छा है क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा काफी बढ़िया दिया है, लेकिन इसमें एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि आप एक्सटर्नल माइक से जब आप अपनी साउंड को रिकॉर्ड करोगे तो नहीं होता। मैंने इसके साथ वन प्लस का जो ओरिजिनल एक्सटेंशन आता है विच इज यू नो दिस टाइप C2 3.5 mm वाला जैक, उससे भी मैंने अपने बोया के माइक को लगा के देखा बट इट डिडेंट वर्क। सो अनफॉर्चुनेटली इसमें वो काम नहीं करता, सो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब प्रो मोड में कैसा है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही ऑसम फीचर मिलता है विच इज दिस। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जेपीजी इमेज जेपीजी 48 मेगापिक्सल में आप कैप्चर कर सकते हो, और ये जो थर्ड ऑप्शन जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है दिस इज रॉ इमेजेस, एंड दिस इज एन अमेजिंग फीचर। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आप प्रो मोड में आके अगर आप रॉ में अगर आप इमेज को कैप्चर करते हो, आप चाहे बाकी सब सेटिंग्स को आप ऑटो पे रखो,
लेकिन अगर आप उसको रॉ मोड में कैप्चर करते हो देन द क्लैरिटी कैन बी एज गुड एज अ DSLR। तो यहां पे आपको एडिटिंग में भी जो है बहुत ही मदद मिलती है जब आपके रॉ फोटोज होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड फीचर्स। एंड और एक चीज मुझे इसके प्रो मोड यूज करने पे वो अच्छी लगी, वो ये है कि आप देख सकते हो दिस, ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो सेटिंग्स थी, तो यहाँ पे सेटिंग्स में हमने ये देखा था कि प्रो मोड में हमें हिस्टोग्राम एंड हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन चाहिए या नहीं। तो चलो हिस्टोग्राम को हम फिर भी बंद कर सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ये हमें रखनी है। इससे क्या होगा ये देखिए, अगर आपका फोन अगर थोड़ा सा स्लैंटेड है तो आपको बता देगा, जैसे ही ये लाइन ग्रीन हो जाती है व्हाइट कलर से, विच मीन्स कि आपका जो फोन है अब आप प्रॉपरली आप हेल्ड कर रहे हो एंड अब आप अच्छे से आप फोटो ले सकते हो। सो ये आपको काफी हेल्प करेगा इन चीजों में। तो दोस्तों यही है इस पूरे वीडियो में। आई होप सो कि अब तक तो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दिया होगा एंड इस वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, राइट दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।